हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर गल्फ जॉब गाइड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे दोस्तों आज मैं कौन सी जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस जॉब में दोस्तों ना तो पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है, ना ही काम का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो जिन्हें कोई काम नहीं आता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो इस काम में जा सकते हैं दोस्तों। कंपनी की तरफ से बहुत सारी वीडियो आई है दोस्तों काम की, तो मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरह का काम वहां पे आप लोगों को करना होगा। और जो इस कंपनी की एचआर मैनेजर से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात वगैरह हुई है, वो भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ दोस्तों। आप लोग अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग उगाते हैं इसी तरीके से हम टमाटर उगाते हैं, शिमला मिर्च जिसे कैप्सिकम कहते हैं। अंकित, इफ दे डोंट नो, लेट देम अंडरस्टैंड। क्यों सर? अगर आप पांचों को कह रहा हो, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो मुझसे पूछे, बारी बारी आप मुझसे पूछे, ठीक है? आप लोग इधर आना चाह रहे हो, आप लोगों को जो क्वेश्चन होंगे आप मुझसे डायरेक्टली पूछो ताकि मैं उनका जवाब आपको दे सकूं, ताकि आपके जहन में एक बात साफ रहे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है? सर सैलरी पूछ रहे हैं सर। सैलरी 1050, 1050 दिरहम। हाउ मच इज इन इंडिया, यू टेल मी। सर ड्यूटी आवर्स एंड ओवरटाइम आल्सो, 8 घंटे का ओवरटाइम है, ठीक है? नहीं सॉरी, 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके अलावा अगर 1 घंटा ऊपर है या 2 घंटे ऊपर है वो ओवरटाइम होगा, 3 घंटे ऊपर है ओवरटाइम होगा। जब भी एक्स्ट्रा आवर्स एक्स्ट्रा काम करोगे तो ओवरटाइम मिलेगा। टूडिंग में क्या क्या दे रहे हैं सर? ये टूडिंग है सर, राइस 28, 29, 30, इस डेट को सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। उसमें से 140 दिरहम आप कुक को दे देंगे जो खाना बनाता है आपको, 3 टाइम का खाना आपको तैयार मिलेगा। आप लोग खाना प्लेट आपका अपना होगा, चम्मच आपका अपना होगा, ग्लास आपका अपना होगा, आप लेकर आओगे अपने रूम से, आपको खाना परोसा जाएगा, आप लेंगे या तो रूम में खाओगे या मेस में खाओगे, बैठ के खाना खाओगे, अपना बर्तन लेकर जाओगे, धो के अपने रूम में ले जाओगे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, 3 टाइम का खाना आपको मेस में मिलेगा। अब हमारे कुछ खेत एक जगह पर है, कुछ दूसरे, कुछ तीसरे, कुछ चौथे जगह पर, कुछ जगह ऐसे जहां पर आपने खुद ही कुकिंग करनी होगी, तो आप अपना सामान राशन खरीद के लाओगे, पकाओगे और खाओगे, लेकिन वो बहुत कम जगह है। जो ज्यादा जगह है वो ये है कि आप 140 दिरहम कुक को देंगे तो आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, ठीक है ना? तो 1050 आपको अकाउंट में आएगा, 140 आप दे दोगे कुक को, आपको बच जाएगा 910 दिरहम। और ओवरटाइम का अलग रहेगा, इसके बाद ये 8 घंटे की ड्यूटी है, आप ओवरटाइम नहीं करोगे तो इतनी सैलरी आपको आएगी। ओवरटाइम करोगे 1100, 1200, 1300, 1400, 1200, कुछ भी ऐसे आ सकती है, कभी काम ज्यादा है कभी काम। यही काम आपको दुबई में करना है दोस्तों, इसी काम की वैकेंसी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी सबसे पहले। आज की जो वैकेंसी है दोस्तों दुबई की है, एग्रीकल्चर कंपनी की, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है दोस्तों, याद रखिये विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है। काम इसमें रहेगा दोस्तों एग्रीकल्चर हेल्पर। एग्रीकल्चर के बारे में जानते होंगे शायद आप लोग दोस्तों, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बारी का काम करना। 50 लोगों की जरूरत है, उनका बेसिक सैलरी होगा 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम मिलेगा आपको, और कंपनी आपको किचन फैसिलिटी प्लस चावल और गैस प्रोवाइड करेगी, खाना आपको खुद से बना के खाना होगा, और कई जगहों पे मेस फैसिलिटी भी है, तो मेस में आपको 140 दिरहम खाने का देना होगा दोस्तों, तो आपको खुद से खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो मेस रहेगी या आपको खुद से खाना बना के खाना पड़ेगा, ये वहाँ के साइड
साइट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आपको कंपनी कौन से साइट में भेजती है। अगर आपको खाना खुद से भी बना के खाना पड़े दोस्तों, तो कंपनी किचन फैसिलिटी और चावल गैस वगैरह दे रही है। तो इसकी जो टर्म कंडीशन है दोस्तों, ECR और ECNR दोनों पासपोर्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटी आपका बेसिक ड्यूटी 8 घंटे का होगा, प्लस ओवर टाइम मिलेगा दोस्तों। ये सब कामों में ओवर टाइम बहुत चलता है। एज लिमिट उनका 20 साल से लेकर 38 साल के बीच होना चाहिए। कंपनी आपको एकोमोडेशन देगी, रूम देगी, ट्रांसपोर्टेशन देगी, अगर आपके रूम से साइट दूर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन देगी, मेडिकल इंश्योरेंस देगी कंपनी। और ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा दोस्तों, अगर 2 साल के बाद भी आप काम करना चाहते हैं तो वीजा रिन्यूअल हो जाएगा। अभी आपको विजिट वीजा मिलेगा दोस्तों, वहां जाके वीजा कन्वर्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट में, और जो अदर बेनिफिट्स होती है वो UAE लेबर लॉ के हिसाब से आपको मिलेगी। तो ये थी पूरी जॉब की डिटेल दोस्तों। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा दोस्तों। जो अप्लाई करने के लिए सीरियस है सिर्फ वही कैंडिडेट कॉल कीजिए। डॉक्यूमेंट में आपको आपका पासपोर्ट का फ्रंट और बैक पेज का स्कैन और एक वाइट बैकग्राउंड फोटो और 1 मिनट का सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए। और जो अप्लाई करने के लिए सीरियस है दोस्तों, उन्हें 10,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, मींस 10,000 एडवांस करना होगा, क्योंकि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का काम जो होता है दोस्तों वो बिना एडवांस का नहीं होता है, आप लोगों को शायद पता होगा। तो जो एग्रीकल्चर हेल्पर के काम में जाना चाहते हैं वो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसकी फ्लाइट जो है दोस्तों 10-15 दिन के अंदर हो जाएगी, बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और ये जॉब 3-4 दिन तक की है, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। तो सीरियस कैंडिडेट जो जाना चाहते हैं वो जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिए, और भी जानकारी लेने के लिए आप नंबर पे फोन करके मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दे। इसी तरह के गल्फ जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलता हूँ किसी नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।